तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ बीआर में रैंक पुशिंग, क्योंकि हमारा पिछली बार जब मैंने बीआर में रैंक पुश करी थी वो था सीज़न 24 और आपको दिखाया था मैं 9-3 पे आके। लेकिन इस बार मैं सीज़न 30 में की रैंक पुशिंग करने वाला हूँ। एंड गाइस, अभी आप देख सकते हैं 6 सीज़न हो चुके हैं, मतलब कि वीडियो को हो चुका है हमारा 1 साल, और अभी तक 1 साल में मैंने रैंक पुशिंग की कोई भी वीडियो नहीं डाली है। इसलिए गाइस, अगर आप देख सकते हैं तो मेरा क्या क्या बदला है, आप देख लीजिए कि क्या क्या चेंज हुआ है मेरी परफॉर्मेंस में। सबसे पहले तो यार न्यू बैडम है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीज़न 30 चल रहा है और ये कब तक चलेगा। इस टाइम तक तो मेरा अभी मेन गोल यही है कि मैं हरेक 2 स्टार कर लूँ, यही मेरा मेन गोल है। और उसके बाद गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हम लोग करने क्या वाले हैं। देखो गाइस, अभी मैं पूरा न्यू बैडम बन चुका हूँ, है ना। तो अभी मैं सबसे पहले अभी क्या करूँगा कि सबसे पहले करेक्टर स्किल्स एंड अवतार बैनर ये सब कर दूंगा। मेरे के कुछ दोस्तों ने ऐसा काम कर दिया मेरे आईडी के साथ, है मेरे को एडम बना के छोड़ दिया है, इसलिए देखो स्काइलर अच्छा नहीं होता और बाकी की शक्ल अच्छी नहीं आई। अब पहले मैंने क्यों लड़की ले ली, एडम चाहिए ले ली हूँ, लेकिन मैं स्पीड देख रहे हो ना यार, मैं रो का सबको बीट कर दूंगा इसमें। और बाकी गाइस, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग ना जाके सबसे पहले करेक्टर बन लें। अभी हम लोगों को इसी मनहूस इंसान को लेना पड़ेगा और खेलना पड़ेगा। हम लोग जोटा नहीं ले सकते, इसलिए हम लोगों को ये मनहूस के लेके खेलना पड़ेगा आगे। एंड ये मैं थोड़ी बदल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ले लो रफेल, ले लो रफेल को, चलो मैं हटा देता हूँ फैल को, मैं हटा देता हूँ और मैक्सिम लगा लेता हूँ, क्योंकि मैक्सिम ज़्यादा बढ़िया होता है यार, आप समझा करो। चलो अब क्या करना है, देखो गाइस क्या होता है ना, जोकर की जो मुंडी होती है ना, ये काफ़ी गंदी होती है, क्योंकि जब भी तुम लोग ना कहीं जगह पे काम करते हो उसकी मुंडी ना दिख जाती है, मुंडी के बाल, इसलिए ना जोकर बढ़िया नहीं है। एंड उसके बाद बात आई तो कुछ और चीज़ की यार, फिर इस बंदे का मुंह दिखेगा जो बहुत गंदी बात है यार, बहुत गंदा मुंह है इसका, इसलिए यार देखो यार कितना गंदा मुंह है इसका। छी भाई, इस पर कोई छूक दे जुबान के सी कर देगा ना तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो भाई अभी मैं जल्दी से कोई कपड़े सिलेक्ट करके आता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। तो बस अभी हम लोगों ने करेक्टर को सिलेक्ट कर लिया और अब हम लोगों की मेन बारी आ चुकी है। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि प्रोफाइल करूँ, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि अबे ये कौन सी करेक्टर स्किल है, मेरे को नहीं मालूम यार कौन सी मेरे पास व्हीकल की स्किल्स है। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले मैं अवतार बैनर कर लूँ, जो चीज़ मैंने बहुत पहले ली थी, ये वाला अवतार बैनर सबसे बेस्ट है मेरी गाड़ी में, इसलिए मैं सबसे पहले यही लगाऊंगा। और वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही है, फिर मैंने अभी तक कुछ करा भी नहीं है, इंट्रो ही पहन लूँ मैं, इसलिए मैं सब कुछ करके आपसे मिलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैं एक काम करता हूँ, मैं वैगन ले लेता हूँ सबसे बढ़िया है, उसके बाद मैं बाउंटी टोकन नहीं लूँगा हटा के, बॉनफायर ले लूँगा, इतना काफ़ी रहेगा। और गाइस अभी मैं सीधे निकल लेता हूँ, ठीक है, आपको मैं अभी लॉबी में मिलता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग इधर लॉबी में आ चुके हैं। एंड गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे इमोट दिखा रहा हूँ और ये बंदी बता नहीं क्यों लॉल इमोट दिखा रही है, इसकी तो पेटी बनानी पड़ेगी, इनको इनको बताता है, इन सबको जाता हूँ जो लॉल इमोट दिखा रहा है इनको। बस गाइस अभी मैं आपसे एक काम करता हूँ, अभी तो गाइस अभी हम लोग एक प्लान में आते हैं, क्या है हम लोग बुढ़िया कर लेते हैं और आप सबसे पहले अगर आपको बढ़िया खेलना है ना तो आपको प्रो प्लेयर बनना होगा, मेरी तरह ब्लू जोन में उतरना पड़ेगा। बस थोड़ा सा तो डर लगेगा कि ब्लू जोन में उतर रहे हो तुम लोग, तुम्हारी बेटी बेटी ना बन रहे, मगर फिर भी हम लोग ब्लू जोन में उतर रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पे हम लोग ब्लू जोन में जाते हुए हम लोग अब पूरी आसमान की ऊंचाइयों पे हैं, और आसमान की ऊंचाइयों में अरे भाई 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 ये कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आपको ब्लू जोन में उतरना, ऐसी जगह पर मत उतरना यार प्लीज़, जैसे मैं उतर रहा हूँ वो तो मजबूरी होती है यार। आपने 2 दिन पहले का तो नया सीज़न आ रखा है यार, एक दिन प्रो प्लेयर्स आते होंगे गाइस, आप ही सोचो, वरना मैं तो रश करके खेलता हूँ पूरा, वहाँ तो बहुत 18-18 किल निकलते हैं मेरे एक मैच में भाई, सच्ची बता रहा हूँ। क्या बोला तूने, पहले क्या बोला, चल
चले चलो जाके इलाज कराओ अपना। तो चलिए गाइस, अभी यहाँ पे हमारी काफ़ी प्यारी तरीके से लैंडिंग हो चुकी है। और अभी मैंने जो देखा था कि दो बंदे आ रहे थे इधर की साइड से, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि एकदम बिल्कुल कोने से ऐसा जाऊँ कि बंदा मेरे को देख ना पाए और मैं जा भी जाऊँ और लूट भी कर लूँ थोड़ी बहुत। मेरा भी मेन गोल है कि डबल स्नाइपर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेरे को तो मेनली सर्वाइव ही निकालना है ना, तो डबल स्नाइपर बढ़िया रहेगी, आपको भी मालूम है गाइस। इसलिए अभी मैं जल्दी से ऊपर चला जाता हूँ, इधर ये पानी में बहुत ज़्यादा बोरिंग रहा। तो चलिए गाइस, मैं अभी ऊपर आ चुका हूँ और मेरे को एक M2 भी मिल चुकी है, दो सीरी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। ओ भाई साहब, दो सीरी भी मिल गई, आज लक है भाई मेरा, मैंने जो बोला वो मेरे को मिल भी गई। और यहाँ से मेरे को L2 का बैकपैक भी मिल चुका है। इधर जाकर सबसे पहले मैं एक घटिया चीज़ें उतार देता हूँ अपने बैग से, और उसके बाद ज़रा देख लेता हूँ, फर्क भी उठा लेता हूँ, क्या पता है मेरे को आगे चल के गन एक्सचेंज करनी हो। और यहाँ से एक एक एमो ले लेता हूँ, क्योंकि किसी बंदे को शक ना हो, क्योंकि काफ़ी कम बंदे होते हैं जिन लोगों का शक होता है। और उसके बाद गाइस मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं पीछे से जाऊँगा तो शायद से उधर से बंदे लूट करके चले गए होंगे और मैं बची कुछ ही लूट ले सकता हूँ। एंड गाइस, अभी आगे के पूरे मैच में मैंने लूट करी थी, इसलिए ये वाला मैच भी मैं स्किप कर देता। तो गाइस अभी मैं उधर से आके भाग गया था और मैं टॉप 10 आ चुका हूँ, इसका मतलब मेरी प्लस तो लगेगी, अब मेरी माइनस नहीं लगेगी, क्योंकि अभी मैं हूँ प्लैटिनम 3 पे, तो मेरे को तो नहीं लगता मेरे माइनस लगने वाली है कहीं से भी। एंड गाइस, अगर आपको लगता है ना कि मेरी माइनस लगेगी तो ज़रूर बताना। और उसके बाद गाइस आपको भी मालूम है अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कैंप कर रहा हूँ गाइस, अभी मैं कैंप करके इतना ज़्यादा कैंप कर रहा हूँ ना मैं, फिर कैंपिंग की वजह से मेरे 7 वो अलाइव 7 हो गए। एंड यहाँ पे जोन भी श्रिंक होने वाला है, अभी मैं हूँ लेजेंड तो मैं जाऊँगा पूरे, जब से जोन श्रिंक होगा ना तभी मैं जाऊँगा गाड़ी उठा के, जब तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी होगा तो डरने की क्या बात है। और यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक तरीके से हैवी ड्राइवर भर्ती करते हुए मैं फुल स्पीड पे लैम्बोर्गिनी की जा रहा हूँ ऊपर। एंड मैंने सोचा कि पहले यहाँ पे चलूँगा मैं, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि यूटर्न ले लेते हैं, कहीं पर चले बंदा अगर फायरिंग कर ले तो दिक्कत हो जाएगी। एंड गाइस यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ, एंड ऊपर आने के बाद मेरे को पता चलता है कि इधर ऑलरेडी एक बंदा है, लेकिन ये जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मेरे को पता होगा, अभी मेरे को पता नहीं होता। यहाँ पे गाइस मैंने इसे एक मारने की ट्राई की, मेरे को नहीं मालूम लगा कि नहीं लगा, लेकिन फिर भी ये बंदे को पता नहीं क्यों डैमेज नहीं हुआ और इसकी हेल्थ इतनी जल्दी रिकवर हो गई, मेरे को नहीं मालूम कितना डैमेज लगा। लेकिन हम लोगों की इस मैच में लगती है +17, क्योंकि मैंने कुछ नहीं करा था यार, 50 ऐसे कैसे चलते हैं यार। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई इस वाले मैच में मेरे पास A1 और UMP, और यहाँ पे तभी मैं देख रहा था जा रहा था इधर से, तभी मेरे को एक बंदा दिखता है, ये पता नहीं क्यों मेरे नीचे फायर कर रहा था, इस वजह से मैंने उसको मार दिया और इधर से SMG एमो ले ली, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि मैं AK-47 और M10 चलाऊँ, और M10 मेरे को मिल भी गई थी, इसलिए इधर से मैंने M10 उठा लेती है और मैंने यहाँ से UMP फेंक दी। और उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, आगे जाने के बाद मेरे को कोई बंदा तो नहीं मिलता, लेकिन अगर मेरे को कोई बंदा मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर। तो बस अभी मैं यहाँ पे इधर उधर सिलानी मार ही रहा होता हूँ, तभी मेरे को इधर से फुटस्टेप्स आते हैं और मेरे को एक बंदा दिखता है, इधर वो ग्लोवल लगाता है और वो सोचते हैं कि मैं सीधा आगे जाऊँगा, लेकिन मेरे को मालूम था कि पीछे ही बंदा है, इसलिए मैं उस जगह पे आ गया। उसने ज़िगज़ैग ग्लोवल लगाई थी इसलिए उसको डैमेज पड़ा, क्योंकि एक और बंदा आ गया था और मैंने उधर से उसको किल चुरा लिया, उसको लग रहा था कि कोई और बंदा भी हो गया था, तो फिर उसको इधर मेरा बहुत गंदा रिकॉइल होता है और मैं मरने ही वाला होता हूँ, जैसे वैसे ही मेरे डबल रिकॉइल जल्दी से लग जाती है, जिस चक्कर में मैं बच जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने जल्दी से ग्लोबल देख कर आगे जाता हूँ, क्योंकि मेरे को उस बंदे की लूट लेनी थी, लेकिन उधर से मेरे को वो बंदा दिख जाता है, इसलिए मैं उसे एक शॉट कनेक्ट कर पाता हूँ, वो भी 18 का डैमेज देता है। उधर से फिर मेरे को M2 भी पढ़ने की ऐसा हार्ट सी आती है, इसलिए मैं देखो बंदा M2 भी स्टोर रहा था, लेकिन मेरे को M2 भी से कुछ भी नहीं पड़ा, बंदा सामने से आया और मैंने उसे 4 गोली में ही टपका दिया, इसलिए मैं M10 और AK-47 को लेके रखता हूँ, क्योंकि ये दोनों काफ़ी सारे डेडलीस्ट वेपन बन जाते हैं यार। तो वैसे AK-47 का इतना क्रेज नहीं रहा यार, है ना।
और गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल मेडिकेट मार लेता हूँ और उस पर बॉनफायर लगा लेता हूँ, एंड उसके बाद मैं बड़ी वाली मेडिकेट लगा लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है गाइस, मैं रिपेयर कर लेता हूँ कम्युनिकेट को, और उसके बाद मैं सीधा भागने चला जाता हूँ उस जोन में, क्योंकि अगर मैं जोन में नहीं जाऊँगा तो मैं एलिमिनेट हो जाऊँगा, और वो मैं नहीं चाहता क्योंकि अभी मैंने किल नहीं करे, लेकिन मैं टॉप 10 में आ चुका हूँ जो मेरे को चंगी था। और इधर मेरे को लगता है गाइस कि बंदा है यहाँ पे, और मेरे को पीछे से पढ़ने बहुत ज़्यादा गंदी वाली पढ़ने लग जाती है। देखिए गाइस, मैं अगर जैसे ही जोन से बाहर जाता हूँ वैसे ही मेरे को पढ़ने लग जाती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, वैसे दो ग्लूअर लगा लेता हूँ नीचे से ना पड़े, और यहाँ पे जैसे ही मैं जाता हूँ एक बंदा आ जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज था इसलिए मैं बच जाता हूँ, एंड यहाँ पे मेरे को वापस पढ़ने लग जाती है VSS का शॉट। मेरे को नहीं मालूम था कि VSS का शॉट क्यों पड़ रहा है, लेकिन मेरे को इतना मालूम था कि मेरे पास बंदा है, और यहाँ पे मेरे को एक बंदे ने मैक्स साउंड से मारने की फुल ट्राई की, और यहाँ पे वो ग्लू वॉल भी तोड़ने लग गया था, एंड यहाँ पे पता नहीं क्यों ये बंदा मेरे को इतना गंदा मार रहा था कि ये सिर्फ मुझे ही मार रहा था। और यहाँ पे जैसे ही मेरे को मरने से पहले मैं मनीगर भी मार लेता हूँ, लेकिन ये बंदा लॉन्ग रेंज का फ़ायदा उठा लेता है और मेरे को पीछे से भी मार पड़ती है और आगे से भी पड़ती है, इस चक्कर में मैं मर जाता हूँ। एंड चलिए गाइस, अभी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी कितनी प्लस लगी है, अगर ज़्यादा की प्लस लगी होगी तो काफ़ी बढ़िया है, और अगर कम की प्लस लगी होगी तो बिल्कुल बढ़िया है। और गाइस यहाँ पे हो चुका है हमारा प्लैटिनम 4, टफर जाते थे यहाँ तो अच्छा एंड यहाँ हम लोगों को मिल जाता है ये सब। एंड गाइस अभी हम लोग खेलने जा रहे हैं आज का लास्ट मैच, तो चलिए देखते हैं इस मैच में क्या होगा। गाइज यहाँ से मैं कैटलिस्ट वो जा ही रहा होता हूँ, तभी मेरे को एक बंदा फायर कर देता है, मैंने उसे देख लिया था, लेकिन वो बंदा मेरे को मारने की फुल ट्राई कर रहा होता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ फ्लैश बैंक इधर मार देता हूँ, क्योंकि वो बंदा अंधा हो जाए, और मैं जैसे वो अंधा होता है उसे कुछ पता भी नहीं चलता और उसकी पेटी बन जाती है। उस बंदे ने तो भले मेरे को लाइक नहीं करा, लेकिन आप प्लीज़ उस बंदे के लिए मेरे को लाइक कर दो कि आपको ये स्ट्रैटेजी बढ़िया लगी कि नहीं। फ्लैश बैंक से देखो गाइज, वैसे तो फ्लैश बैंक का कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने आपको फ्लैश बैंक का यूज़ करना सिखाया, इसलिए यार एक बार तो वीडियो को लाइक कर दो अगर देख रहे हो तो, हैं सब्सक्राइब भी कर देना यार, ऐसा वैसा कुछ मत करो, करना तो सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी भी कंफ्यूजन नहीं। तो अगली वीडियो में फिर मैं कसम में देने लग जाऊँगा, वहाँ की जैसी बाकी यूट्यूबर करती हैं उन्हें तो आप लोग फुल सपोर्ट करना चाहते हो यार, देखो फिर मैं भी वो करूँगा भाई, समझ लो ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं भी माँ की कसम देने वाले यूट्यूबर बन जाऊँ और अपने कमेंट लिस्ट को ऑफ कर दूँ क्योंकि आप लोग मेरे को वापस माँ की कसम ना दो हैं, इसलिए यार 24 घंटे तक मैं फिंगर क्रॉस नहीं कर सकता ना, इसलिए गाइस कर लेना ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे मैं इधर ड्रॉप को लूट ही रहा होता हूँ, तभी क्या होता है यहाँ पे मेरे को मिलता है दो बंदे फाइट कर रहे हैं। तो अभी मैं एकदम शांति से बैठा रहा, और जैसे ही वो बंदा आया मैंने उसे हेडशॉट देके क्लियर कर दिया। उधर आगे ही बंदा था तो मैंने वो उसे टीम अप के बारे में उलझाया, क्योंकि उस बंदे को लगे कि बंदा इधर है तो फिर वो सीधा मेरे को देखेगा, और मेरे को मालूम था कि पीछे बंदा था जिसकी वजह से उसने मेरे को मार के किल आसान कर दिया। उस बंदे को मेरे को कैसे मार सकता है वो बंदा, लेजेंड्स को कैसे मार सकता है वो बंदा, गलती से हो जाता है कभी कभी यार। और यहाँ पे मैंने साइलेंसर उठा लिया था कि अपने गन में, और यहाँ पे मैंने देखा था कि 4 मेडिकेट भी खड़ी हुई है, लेकिन मैंने वो सब नहीं उठाया था। और उसके बाद मैं जाता हूँ आगे वाले जगह पे, मेरे को मालूम था कि ऊपर बंदा है तो फिर मेरे को इधर ग्लू वॉल लगानी चाहिए, लेकिन फिर मैं ग्लू वॉल की थोड़ी सी कंजूसी कर देता हूँ, बस थोड़ी सी, यहाँ से मैं ARMO फेंक देता हूँ, एंड मेरे को लगता है इधर से कोई भी बंदा नहीं है, इसलिए मैं सीधा जाकर टावर पे बैठ जाता हूँ ठीक है। गाइस अभी मैं इधर टावर पे बैठ के कैंप ही कर रहा होता हूँ, तभी जोन आने लगता है, और मेरे को मैंने सोचा था कि मैं जोन से डैमेज खा के मर जाऊँ, इसलिए मैं क्या सोचता हूँ पहले मैं आगे देखता हूँ कि आसपास कोई बंदा नहीं है, और जब मेरे को कंफर्म हो जाता है कि आसपास कोई भी बंदा नहीं है तो मैं इधर आके बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई भी बंदा ना देख पाए, लेकिन मेरे को मालूम था कि कोई ना कोई तो मेरे को देखेगा, इसलिए मैं इधर उधर देखने लग जाता हूँ कि जोन में कौन कौन जाएगा। लेकिन तभी मेरे को फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लग जाती है, और मेरे को लगता है कि आसपास तो कहीं बंदा है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि शायद से किसी और की फुटस्टेप की आवाज़ होगी, इसलिए मैं सोचता हूँ आगे जाऊँ। और जैसे ही मैं आगे जाने लग जाता हूँ जोन भी आगे बढ़ना लग जाता है, और यहाँ पे मेरे को एक बंदा मिल जाता है जो ऊपर कैंप कर रहा था, फिर उसको मैंने इतना डैमेज दे दिया था कि वो ऑलमोस्ट मर जाए, एंड यहाँ पे मैं उससे रश करने जाता हूँ, लेकिन फिर भी मर जाएगा, लेकिन एक बार नहीं मरता,
ये इधर आ जाता है, लेकिन फिर भी मैंने उसे 6 गोली में मार दिया। और यहाँ पे बचता है सिर्फ एक बंदा, ये इस बंदे को मार के मैं शायद से भुइया ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता मैं भुइया लेने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ। गाइस ये काफ़ी ज़्यादा मैंने साइलेंस ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप क्या लेना चाहूँगा। इधर मैंने ग्लोबल मेल्टर को लगाया था, और यहाँ पे वो बंदा, जैसे मैंने ग्लोबल मेल्टर लगाया कि मैंने सोचा था कि उसकी ग्लोबल हो, लेकिन मेरे को मालूम था कि वो कब तक हटेगा ग्लू मेल्टर, इसलिए मैंने इधर ग्लोबल लगाई क्योंकि मेरी वॉल को ज़्यादा डैमेज था। और यहाँ से मैंने उसे मारने की ट्राई की, ग्लू ग्लागी का गोजा से, ठीक है, एक्सेस का नाम गोजा, ठीक है गाइस। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना लेकिन मेरे को कोई आइडिया नहीं था, एंड यहाँ पर मैं मार लेता हूँ, लेकिन मेरा नेट बहुत गंदा चल रहा था इस वजह से मैं मार जाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। आज की हम लोग पर प्लस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग, एंड यहाँ पर हम लोगों की प्लस लगती है 29। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।